क्या जी, इतना अफसोस क्या कर रहे जी? मैं नहीं जा रही बोले तो? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या गुनाह करा कि अल्लाह ताला मेरे को जीते जी दुनिया में अजाब दे रहा बीवी की शक्ल में। क्या अजाब बोल रहे मेरे को आप? मेरे को चुड़ैल बोल रहे आप? अरे मैं कब बोला जी तुम चुड़ैल है बोल के? मेरे को सड़ी हुई दाल बोल रहे आप? मैं कब बोला जी? मेरे को सड़े हुआ सेब बोल रहे आप? अरे मैं कब बोला जी? सटक गए क्या? सटक तो तुम गए जो तुम मेरे को अजाब बोल रहे। अरे गलती से मुंह से निकल गया जी। तुम्हारे उजाड़ मुंह को तुम ताला डालो, समझे? औरत अल्लाह ताला की नेमत है मगर तुम तो जहमत है। अजी बीवी को खुश रखो, दौलत आती रहमत आती, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में खाली लानत आ रही। आती आती देखो जी, एक दिन मेरी वजह से छप्पड़ फाड़ के दौलत आती, जब क्या करते तुम? सबसे पहले वही छप्पड़ की मरम्मत करा देता हूँ मैं। क्या आदमी है, मुहावरा भी नहीं समझता। अरे मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं समझता जी। अल्लाह बेजार आ गई मैं आदमी से। मैं भी बेजार आ गया। मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे से बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह लोगों की नींद पूरी होती, पानी पूरी होती, भेल पूरी होती, मामू पूरी होती, मगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती मेरे से छुटकारा पाने की। नहीं, तुम्हारा मुंह काला करने की। बेगम, क्या तुम सही में मेरे से छुटकारा पाना चाह रहे? हाँ, मेरे से दूर जाना चाह रहे तुम? बेगम मेरी एक बात कान खोल के सुनो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरी बात को समझो बेगम, मेरी प्यारी बेगम, try to understand, please मेरे को छोड़ के मत जाओ। अरे नहीं जी, मैं मजाक कर रही थी जी। हट, मैं भी मजाक ही कर रहा था। अगर तुम्हारा को जाने का शौक है तो शौक से जाओ, I don't care। सोच के बोलो जी, मैं सही में चले जाती हूँ। और वैसे भी तेलंगाना में लेडीज को बस फ्री है। वही फ्री बस में बैठ के दूसरी भी आ जाती। बहुत शौक दिख रहा दूसरी लाने का। हाँ, पहले मेरे को तो सही से संभालो जी, एक मिच पिचके हुए चंबू की जैसी हालत होगी तुम्हारी। क्या है ये डब्बे में? मैं नहीं बोलती। तुम मेरे से कोई चीज छुपा रहे, मतलब ये डब्बे में कुछ तो भी इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ तो गड़बड़ है दया। वो सस्ते सी आईडी, मेरे रास्ते से हटो, बहुत काम है मेरे को। पहले ये डब्बे में क्या है बोलो। नहीं बोलती हूँ। मतलब इसमें कोई खाने की चीज है और वो मेरे को बहुत पसंद होंगी, इसके वास्ते तुम मेरे से छुपा रहे। हाँ, है। सैंडल खाते? हेंद्री औरत, तो इसको ये लाल डब्बे के ढक्कन में कई को रखे तुम? अब मैं कुछ तो भी खाने की चीज होंगी समझा ना। अरे रखने की चीज है ये, तुम आपको क्या सैंडल का डब्बा दिख रहा, मिठाई का डब्बा दिख रहा? मैं कुछ तो भी दिल खुश उलखुश होंगे समझा। अदी बैदल, अदी बादी, अरे ताई नहीं तुम लोग तुत्ते पीलिया लल्ली तो ताल लल्ले ले। हाँ मियाँ भी बोल तो मिलते लेना दी। दिन दे दी इतना पल्ले तू आना, यहाँ तल त्या हो तितने दाना, उल्ले दिन दे दी बोल तो तलती ता नाम दाली, मियाँ भी बोल तो वो दाली दे पाई है। अरे हाउ रे, वो गाड़ी क्या बैगन चलेंगी, जिसका एक टायर जो है सो बाइक का है, दूसरा ट्रैक्टर का। तो फिर तुम ट्रैक्टर के टायर के पीछे पैगाम लेके गए को है? अरे तुम ही बोले थे ना रिश्ता भेजो बोल के मेरे को। हाँ लव मैरिज बोले तो समाज में लोग नामा रखेंगे, बदनामी होंगी, टॉन्ट मारेंगे, रिश्ता भेजो अरेंज मैरिज बोल के तो भेजा मई। तुम ना एक नंबर के मक्कार, मतलब ये झूठे आदमी है। मई क्या झूठ बोला जी तुम्हारे को? जानू
तुम्हारे से मैं जितना अभी प्यार करती ना, शादी के बाद भी उतना ही प्यार करती बोल के झूठे वादे नहीं किए थे? अरे हाँ जी, तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी तुम्हारे से छूंगी बोल के। इसी बात पे एक शेर याद आया, अर्ज किया है। इशाद इशाद, 2 हफ्तों से ज्यादा अगर खांसी हो जाए तो टीबी बन जाती है। वाह 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 वाह, टीबी टीबी नहीं रे तोतले, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। आप प्लीज कंटिन्यू। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो जाए तो टीबी बन जाती है, अगर सही वक्त पे गर्लफ्रेंड ना बदलो तो बीवी बन जाती है। शुक्र करो जी मैं तुम्हारे साथ शादी करी, नहीं तो तुम्हारे चाल चलन देखे, तुम्हारे हरकत देखे, तुम्हारे कोई कुत्ता भी नहीं देता था। तो फिर तुम्हारे बाबा जहेज में तुम्हारे भाई को दिए ना जी। दीपादी भैदान मेल तू तुत्ता बोल ले जी। तू ना मेरी कमजोरी है रे, तू नहीं होता ना मैं इनको मुंह नहीं लगा लेती थी। अरे मेरे को भी कोई शौक नहीं है जी तुम्हारे मुंह लगने के। अरे बादी तुम मुंह नहीं दोते। अरे कम तालीम भयानक जिंदगी, तो मेरी साइड है उनकी साइड है। मैं तित्ती भी तैद नहीं हूँ। अजी इधर आओ। कहा वा ए ज्यादा नहीं फ्री हो जा रहे तुम, हाँ इज्जत से बुलाओ। अजी इज्जत से इधर आओ। क्या कल रात में तुम क्या बोल रहे थे याद है? अरे रात गई बात गई भाई, अपने को याद नहीं रहता, तुम्हारे को याद है तो बोलो जी। चिलखन आदमी, रात में नींद में तुम्हें को गालियां दे रहे थे। बेगम तुम्हारे को कुछ तो भी गलत फहमी हुई होंगी। क्या ये के मैं नींद में था? क्या क्या गलीज आदमी है जी तुम, इतने गंदे गंदे गालियां दे रहे थे, कान में से खून निकलना बाकी था। हाँ ऐसी थे अपन बचपन से, ऐसी थे भाई स्कूल के टाइम पे, अगर कोई भी अपने को छेड़ लिया तो 56 गालियां देते थे अपन। सुन रहे, कान से खून निकलना बाकी रहता था, इसके आज तो कोई भी अपने मुंह को नहीं लगता। शुक्र मनाओ जी मेरे फोन में समीरा और जमील काम नहीं कर रहे, नहीं तो समीरा से प्रूफ लेके जमील से भेज देती थी। ये फोन का तुम्हारे बाबा का ऑफिस है या कंपनी है, उसमें समीरा और जमील काम करने के वास्ते है? ओ जाहिल गवर आदमी, समीरा जमील। अरे नीम हकीम खतरे जान, उसको कैमरा और जीमेल बोलते। वो इंग्लिश में बोलते, मैं उर्दू में बोल रही हूँ। औरतों की गरीब मिर्जा गालिब। देखो अगर तुम्हारा जो है अपनी गलतियों को छुपाने का है तो छुपाओ, मगर उर्दू की माँ बहन को करो। अगर तुम्हारा छुपाने का इतना शौक है ना तो ये मोटापे को छुपाओ जी। जी मैं बेजार आ गई हूँ मेरे मोटापे को लेकर तुम इतना बात करते। हाँ मैं क्या चुप बैठ रही? बोल तो बोलते जाएंगे तुम, बोलते जाएंगे तुम। हाँ ये दिख रहा, ये 5 साल से पहन रही हूँ मैं, फिटिंग वैसी की वैसी है, और तुम बोल रहे मैं मोटी हो रही बोल के। बेगम जरा खुदा का खौफ करो जी, ये शाल है। तो क्या हुआ मैं मोटी हूं तो? हाँ तुम्हारे से ज्यादा एक्टिव हूं मैं, समझे? तुम एक भी काम ढंग से नहीं करते, मैं 3-4 काम ढंग से एक साथ करती हूँ, मल्टीटास्किंग हूं मैं। मल्टीटास्किंग है? अरे तुम 3-4 काम तो साइड में छोड़ो जी, सिर्फ 2 काम एक साथ करो तो मैं मान लेता हूँ। ऐसा करती हूँ, करके दिखाओ तो क्या करते? जो तुम बोले वो करता हूँ। ठीक है बोलो क्या करना, बोलो। सबसे पहले मुंह बंद रखो और खामोश बैठो। मैं गलती करी क्या चैलेंज एक्सेप्ट करके? बहुत चालू आदमी है ये। याला तेरा लाख लाख शुक्र है, ये औरत खामोश बैठी तो कितना अच्छा दिख रहा, मेरे दिल और दिमाग को सुकून दिख रहा। या अल्लाह तेरे से अर्ज गुजारिश है, ये औरत को गूंगी कर दे, मैं झाड़ू पोछा बर्तन घर के पूरे काम मैं कर लेता हूँ, पूरी जिम्मेदारी मेरी। हाँ अब 101 लोगों को खाना भी खिलाता है, अल्लाह प्लीज इसको ऐसे गूंगी रख दे, मेरे को सुकून मिलता, मैं सब कर लेता हूँ, आई विल डू एवरीथिंग। तुम क्या करते जी? हाँ सब काम मैं ही करती हूँ, तुम एक नंबर के नाकारा निकम्मे आदमी है। तुम्हारे से क्या होता? ए और उधर आप खामोश बैठ रहे हो, तुम मेरा पारा चढ़ा दे रहे। नहीं नहीं आज फैसला होके चलाना के मैं क्या हूं और तुम क्या है, मेरे को एक बात बोलो। हाँ मेरे को एक बात बोलो, दिन दिन भर बाहर कौन रहता? हाँ दिन भर पैसे कमाने के वास्ते बाहर कौन गायब रहता? मैं। क्या कमाना है, कैसा कमाना है, कितना कमाना है, किसके वास्ते कमाना है, किसकी जिम्मेदारी है,
मेरी हाँ आलू मैं ला रहा हूँ, टमाटे मैं ला रहा हूँ, बैगन मैं ला रहा हूँ, हरी मिर्ची मैं ला रहा हूँ, चावल मैं ला रहा हूँ, दाल मैं ला रहा हूँ, मिर्ची मैं ला रहा हूँ, नमक मैं ला रहा हूँ, हाँ ये जो तुम्हारे आंख पे कपड़े हैं कौन दिले मैं, ये जो तुम्हारे थोप लेने का सामान है मेकअप का कौन दिलाते मैं, गैस सिलेंडर कौन ला रहे मैं, कचरे वाले को पैसे कौन दे रहे मैं, हाँ और तुम मेरे को रोज 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 ये नाकारा निकम्मा नल्ला साबित करने के अस्तित्व तुले हुए हैं। अरे जब मैं इतना सब कर सकता हूँ तो 5,000 रुपए दे के नौकरा नहीं रख सकता, हाँ मेरे को क्या जरूरत तुम्हारी, नहीं चल रहा तुम और तुम्हारे दो लोग लेके चल रहा। अरे आप फालतू का दिल में ले रहे, दिल पे कैको ले रहे, मैं मजाक कर रही थी ना। अरे मगर मैं तो सीरियस ले लिया ना, नाउ आई एम वेरी सीरियस, आई वांट इंसाफ इन राइट नाउ। अरे मैं शांत हो, अरे मैं शांत वाले नहीं होता, मैं नहीं सुनने वाला हूं, तुम्हारे को मजाक, मैं किसका भी नहीं सुन रहा भाई, तुम चल रहा मैं ऐसी छू, क्या कर लेते कर लो तुम, मैं नहीं समझ रहा बोल रही हूं, अरे जाओ भाई जाओ। आदाब नमस्ते सत श्री अकाल वडक्कम। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आपके पास कितने लाइक होना है? 50,000 से ऊपर होना है। नाइस, कर देते। और आप हमारी बात मान रहे हैं, हम दिख रहे हैं, हमें यस यस, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो गाइस ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहो, हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे जबरदस्त वीडियोस बना के आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते। थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।